इमरजेंसी असिस्ट। फ्रेंड्स ये एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर। आपको ऊपर एक आप मैं दोबारा से बैक करता हूँ, यहाँ आपको होम पे एक टॉप राइट में RSA एक बटन दिख रहा होगा, ये RSA, दिस इज रोड साइड असिस्टेंस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपका होस्ट अमित त्यागी और आपके मेरे चैनल दी बायर गाइड में फिर से स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग एंड आपके सब नियर एंड डियर सेफ होंगे कोरोना से घर में। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना पॉसिबल है घर में रहें एंड अगर बाहर निकलना पड़े दोस्तों N95 मास्क के बिना मत निकलिएगा। हम भी नहीं निकल रहे हैं, कोशिश करके घर में ही मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए बना पा रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट, बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, रोज़ कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। दोस्तों किया ने अभी लेटेस्ट एक न्यू ऐप लॉन्च करी है दोस्तों, जो कि कनेक्टेड ऐप है। दोस्तों किया आप जानते ही हैं, उसकी टॉप वेरिएंट जो है उनके अंदर यूवियो कनेक्टिविटी आती है, कारों के अंदर यूवियो कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आती है। बट व्हाट अबाउट दी लोअर वेरिएंट्स? जी हाँ दोस्तों, किया ने लोअर वेरिएंट्स को कंसीडर करते हुए एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू ऐप लॉन्च करी है, एक न्यू डिवाइस लॉन्च करी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया लिंक ऐप की। किया लिंक ऐप जो कि एक डिफरेंट डिवाइस के थ्रू चलेगी, ऐप होगी जिसको आप फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, एक डिवाइस होगी जो आपकी कार के अंदर लगाई जाएगी। और दोस्तों डिटेल में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। एंड दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कहीं कोई डिटेल आप मिस ना कर दें। दोस्तों कंटिन्यू करता हूं, तो एक डिवाइस आएगी दोस्तों जो कि किया मॉड्यूल नाम से होगी, लिंक मॉड्यूल होगी, वो आपकी कार के अंदर लगाई जाएगी एंड फिर वो ऐप से लिंक होके आप बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी उस ऐप के थ्रू कर पाएंगे। दैट वुड बी अ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सेम वुड बी वर्किंग लाइक यूवियो, यूवियो में बहुत सारे और भी एडिशनल एडवांस फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स नहीं होंगे बट और बहुत सारे फीचर्स होंगे। मैं इस वीडियो में आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस ऐप का इंटरफेस आपको दिखाने वाला हूं, सारी ऐप के फंक्शंस आपको दिखाने वाला हूं एंड जैसे ही वो मॉड्यूल लॉन्च होगा, बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों, हो जाता अगर ये दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगता, जैसे ही वो मॉड्यूल लॉन्च होगा मैं फिजिकली आपको सारा के सारे फंक्शंस यूज करके दिखाऊंगा। उस वीडियो को सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो मैं सारे ही फीचर, सारे ही फंक्शंस आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। स्टार्ट करता हूं ऐप से। तो ये है वो ऐप दोस्तों, किया लिंक। ये आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका कुछ होम पेज का यूज़र इंटरफेस है। इसमें आप ये लेफ्ट में जाएंगे तो ये आपकी प्रोफाइलिंग है। आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अपनी कार की डिटेल्स फिल करेंगे और आपकी कार की डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं कि कई सारे फंक्शंस की यहाँ मेन्यू आ रहा है, माई कार मेंटेनेंस, कनेक्टिविटी, किया इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस एंड देन कॉन्फिग्रेशन। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको इसमें माई कार मेंटेनेंस, तो इसमें कार मेंटेनेंस से रिलेटेड आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं। अपॉइंटमेंट से मतलब है आपका कि आप अपनी कार की सर्विसिंग के लिए अपॉइंटमेंट इससे बुक कर सकते हैं, अपना सर्विस शेड्यूल रिजर्व कर सकते हैं आप नियर बाय डीलरशिप पे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये अपॉइंटमेंट पे मैं गया, मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करना है एंड कॉल डीलर का ऑप्शन आ रहा है, अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, कॉल डीलर का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं जैसे ही अपॉइंटमेंट बुकिंग पे जाऊँगा तो ये अपने आप आपको इसमें एक डीलर नज़र आ रहा है, ये किया फ्रंटियर, किया MG रोड। ये दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप अपने आप को इसमें एनरोल करते हैं तब आपको अपना प्रेफर्ड डीलर इसमें फिल करना होता है। बाय डिफॉल्ट प्रेफर्ड डीलर जहां से आपने गाड़ी बाय करी है वही आता है, उसके अलावा आप अपने नियर बाय किसी को भी चूज कर सकते हैं।
आप को ये दिखा रहा है हियर टू 26.8 किलोमीटर, यानी कि मेरे घर से ये किया कि डीलरशिप 26 किलोमीटर दूर है। उससे नीचे आ रहा है सेलेक्ट अपॉइंटमेंट टाइप, मुझे अपॉइंटमेंट जो रखना है ये फ्री सर्विस है मेरी, पेड सर्विस है ये रनिंग रिपेयर से, मतलब कि कोई मैं अपने नॉर्मल कुछ मुझे रिपेयरिंग वगैरह करानी है उससे रिलेटेड जा रहा हूँ। नीचे आप नोट मेंशन या कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप सर्विस की भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ से आप इसको पूरा ही बुक कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट की डेट भी यहाँ शो करेगा कि किस डेट के लिए आप अपॉइंटमेंट अपना रिजर्व करना चाह रहे हैं, एंड टाइमिंग भी उसमें ये दिखाएगा। अभी मैं इसको करते हैं, हम यहाँ ये हमने सेलेक्ट किया, ये टाइम आ गया, सुबह से लेके 9 बजे वर्कशॉप ओपन हो जाती है, शाम 6 बजे तक रहती है। तो किस टाइमिंग के लिए मैं अपना अपॉइंटमेंट रिजर्व करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिजर्व कर सकते हैं सर्विस के लिए, या आप रनिंग किसी भी वर्क के लिए जा रहे हैं, किसी मेंटेनेंस पर्पस से जा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा जो फीचर है वो है व्हीकल हेल्थ चेकअप। ये व्हीकल हेल्थ चेकअप अभी तक जो मेरी सर्विस हिस्ट्री है, चेकअप हिस्ट्री है, वो सब इसके अंदर दिखा देगी। जैसे सबसे पहले मैं 10th of November को गया था तो उसमें मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हुई थी, फर्स्ट फ्री सर्विस थी, 1149 किलोमीटर मेरी कार चली थी। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं, पूरा का पूरा यहाँ आप सर्विस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं सब इसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मेंशन है, एडवाइज़र मेरा कौन था, कहाँ पर मैंने सर्विसिंग कराई है, ये सब इसके अंदर मेंशन है दोस्तों। उसके बाद मैं 6th of December को लेके गया, जब मेरी कार एक्सीडेंटल डैमेज हो गई थी, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई रखी है मेरी कार की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर, और इंश्योरेंस में मुझे क्या क्या कवरेजेस मिल गए उन सब के ऊपर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेरी हुई हैं सब इसके अंदर मेंशन है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। उसके बाद मैं सेकेंड सर्विस कराने लेके गया, उसके बाद मेरी एक बार मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स के लिए रिजोल्यूशन के लिए मैं जब दोबारा से गया था वर्कशॉप पे, तो ओडोमीटर रीडिंग वगैरह क्या आती है सब इसके अंदर मेंशन है, किस किस काम के लिए गया था और क्या क्या हुआ है। ये मेरा व्हीकल हेल्थ चेकअप है, यानी कि अभी तक मेरी कार जितनी भी बार सर्विस सेंटर पर गई है उसका हिस्ट्री है एक तरह से। दूसरा शेड्यूल मेंटेनेंस आ जाता है। शेड्यूल मेंटेनेंस आपकी जो एक तरह से सर्विसिंग है 10,000 किलोमीटर वाली, 20,000 किलोमीटर वाली, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो अभी आपकी ओडोमीटर रीडिंग क्या है उसके हिसाब से बता देगा कि आपकी कौन सी सर्विस ड्यू है। तो अगर आपकी, यहाँ मैं डालता हूँ 10,000 किलोमीटर, तो अपने आप दिखा देगा कि आपकी फर्स्ट सर्विस 1 ईयर वाली जो है वो ड्यू है। या मैं इस पे डालता हूँ 30,000 किलोमीटर, तो दिखा देगा ये 3 ईयर और 30,000 किलोमीटर वाली ड्यू है। तो सर्विस का जो शेड्यूल मेंटेनेंस है वो आपको बताता रहेगा आपकी ओडोमीटर रेटिंग के हिसाब से। ओनर्स मैनुअल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका मैंने पहले भी आपको बताया था, QR कोड के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एंफोटेनमेंट सिस्टम है उसी के अंदर QR कोड आता है, उस QR कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो आपका ओनर्स मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा पूरी आपकी सर्विस हिस्ट्री आ जाएगी, ये मेरी सर्विसिंग हुई है, कहाँ कहाँ पर हुई है, कब कब हुई है, तो एवरीथिंग इज मैंशनड। 10th of November, 6th of December एंड 26th, ये मेरी सर्विसिंग के इसमें मेंटेनेंस या जो भी कुछ हुआ है वो सब इसमें दिखाएगा। देन डॉक्यूमेंट्स वॉलेट, इसमें आप अपनी कार के कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे आप इसमें कैमरा या गैलरी से अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड या RC या इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ रख सकते हैं up to 10। अब जो नेक्स्ट इसमें फीचर्स आते हैं वो कनेक्टिविटी के जो फीचर्स हैं फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के फीचर्स जितने भी हैं मेनली तो असली ये हैं जो आपको कनेक्टेड कार के फीचर्स इसमें आ जाते हैं। बट ये सारे ही फीचर्स जब आपका मॉड्यूल
जो कि इसके लिए डिजाइंड है, जो किया का कनेक्टिविटी मॉड्यूल है, जब वो कार के अंदर लग जाता है तब वो वर्किंग होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहला है ड्राइविंग डैशबोर्ड। जब इस ड्राइविंग डैशबोर्ड पे जाते हैं आप, तो आपका ड्राइविंग का इस पे लास्ट 5 ट्रिप्स की सारी डिटेल्स दिखाता है। ओडोमीटर रीडिंग, लास्ट अपडेट, बैटरी परसेंटेज उसकी, फ्यूल का लेवल, ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही, मैक्सिमम किलोमीटर कितने गए आप, किलोमीटर एवरेज आपका क्या रहा है, ये सारा इस पे दिखाएगा। एंड ड्राइविंग रिजल्ट्स भी आपके आएंगे कि आपकी जो ड्राइविंग पैटर्न है वो गुड है, नॉर्मल है या चेयर अप है, या आपको उसको अपग्रेड या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये तब काम करेगा जबकि आपकी इसमें मॉड्यूल लग जाएगा। ये दिख भी रहा है, द फंक्शन इज टू एनेबल द कनेक्टिविटी मॉड्यूल टू बी इंस्टॉल्ड अवेलेबल, व्यू डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। दिस इज द मॉड्यूल किया लिंक मॉड्यूल। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी जस्ट आफ्टर दी लॉकडाउन ये लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइजिंग भी अनवील होने वाली है, एंड जो भी इसकी प्राइजिंग होगी, जो भी इसके मेन अदर फीचर्स अपडेट्स आएंगे, वो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे। तो उसके लिए चैनल पे ट्यून रहिएगा दोस्तों। ऐसी ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, ये आपकी करंट की ड्राइविंग की इंफॉर्मेशन देता है लाइव, यानी कि अभी जो मैं अपनी कार चला रहा हूँ वो ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी है, आरपीएम किस उससे चल रहा है मेरा, मैं ब्रेकिंग कोई हार्ड ब्रेकिंग तो नहीं लगा रहा, रैपिड एक्सिलरेशन तो नहीं दे रहा, करंट किलोमीटर कितना है, आज मेरी गाड़ी कितनी चली है, कितने मिनट के लिए चली है। तो एक करंट आज की डेट का स्टेटस ये देता है, ये मेरा ड्राइविंग इंफॉर्मेशन है एवरीडे की। उसके अलावा आ जाती है ड्राइविंग हिस्ट्री। तो ड्राइविंग हिस्ट्री भी दोस्तों तभी पॉसिबल है जब आपका मॉड्यूल लगा हुआ होगा। तो इसमें आपकी पूरे मंथ की ड्राइविंग हिस्ट्री आ जाती है कि पूरे मंथ में आपने किस तरह से कार चलाई है। व्हीकल डायग्नोस, इसमें आपकी व्हीकल को पूरा डायग्नोस किया जाता है। अगर आपकी व्हीकल के अंदर किसी भी तरह के कोई फॉल्ट मिलते हैं चेकिंग के ड्यूरेशन में, तो वो आपका रिफ्लेक्ट होगा कि ये आपके चेक पॉइंट्स हैं, आपकी कार के अंदर ये कमी है, किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल फॉल्ट इस डायग्नोस में चेक कर लिया जाता है, एंड वो आपका यहाँ डायग्नोस रिपोर्ट में आ जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं, अपनी कार को चेक करा सकते हैं। एंड यहाँ आपकी ये पूरी हिस्ट्री भी आती है, ये लेटेस्ट आएगी, ये हिस्ट्री आएगी, दोनों का आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट आपकी डायग्नोस रिपोर्ट क्या क्या थी और करंट डायग्नोस रिपोर्ट क्या क्या है। ये भी अगेन जब मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स तभी पॉसिबल है। यहां आपकी आती है मंथली रिपोर्ट, पूरे मंथ की आपकी रिपोर्टिंग आ जाएगी, किस तरह से आपने कार चलाई है एंड क्या क्या आपने किस तरह से किया है। बैटरी का स्टेटस, आपकी लास्ट अपडेट टाइम, बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है, कितनी नहीं है, एंड वोल्टेज करंट वगैरह सारी उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। इमरजेंसी असिस्ट फ्रेंड्स, ये एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ऊपर एक मैं दोबारा से बैक करता हूँ, यहाँ आपको होम पे एक टॉप राइट में RSA एक बटन दिख रहा होगा, ये RSA, दिस इज रोड साइड असिस्टेंस, यानी कि कोई मिसहैपनिंग किसी तरह की हो जाएगी तो रोड साइड असिस्टेंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा आपके इमरजेंसी 5 नंबर्स भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एंड किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, माइंड यू फ्रेंड, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब है कि अगर कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसके एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए हैं, तो आपकी कार के जियो कोऑर्डिनेट्स जो आपने इमरजेंसी नंबर सेव किया करे होंगे उन पे इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा और उन पर कॉल भी चली जाएगी। तो ये फीचर आपको मिल जाता है इमरजेंसी असिस्ट में। यहाँ पर आप 4 नंबर जो भी हैं, ऐड अप टू 4 फोन नंबर्स, यहाँ आप अपने 4 फोन नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन, सॉरी लोकेशन जो होगी उसको शेयर कर देगा आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। एंड दिस इज पार्किंग मैनेजमेंट, ये पार्किंग मैनेजमेंट की आपकी कार अभी कहाँ पार्क है। अब जैसे ये मेरा जहाँ अभी कार पार्क है वहाँ का दिखा दे रहा है, एंड वही ये नियर बाय एड्रेस भी दिखा रहा है। ये आपके फ़ोन के GPS से कनेक्टेड है,
आपका फ़ोन की लोकेशन जहाँ की होगी ये वहाँ की दिखाएगा, जब डिवाइस लग जाएगी तब ये डिवाइस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी काम करेगा, जो लास्ट डिवाइस जब तक कनेक्टेड थी फ़ोन से तब तक। तो ये पार्किंग मैनेजमेंट है दोस्तों। तो ये मेन कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं। उसके अलावा किया की इंफॉर्मेशन में आपकी किया की ऑफिशियल वेबसाइट, किया के न्यूज़ एंड नोटिसेज एंड एक्सेसरीज से रिलेटेड भी आप यहाँ देख सकते हैं, बट अगेन इट वुड रूट यू टू द किया ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एक्सेसरीज। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रूट हो जाएंगे उस पर और वहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। एंड दिस इज कॉन्टेक्टस एंड दिस इज कॉन्फिग्रेशन। कॉन्फिग्रेशन में आपको अपनी डिवाइस को कॉन्फिगर करना है। माई प्रोफाइल पे आप जाएंगे, ये आपने अपनी पूरी प्रोफाइलिंग बनाई है, अपनी आईडी, अपना पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर एंड आपने जो भी अपना है फ़ोटो डालना है वो, एंड प्रेफर्ड डीलरशिप। दोस्तों प्रेफर्ड डीलरशिप आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपने कार कहीं और से बाय करी हो और सर्विसिंग आप किसी दूसरी डीलरशिप पर कराना चाहते हो, तो प्रेफर्ड डीलरशिप प्लीज़ सही से चूज़ कीजिएगा। नहीं तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इसके थ्रू, वो प्रेफर्ड डीलर पे ही बुकिंग लेगा, दूसरे डीलर पे लेने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये आपकी प्रोफाइलिंग है। उसके अलावा माय कार, यानी कि आपकी यहाँ कार की डिटेल्स आ जाती है, कार का आपका विन नंबर, कार की आपकी फ्यूल टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर, परचेज डेट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। जैसे मैंने 19th ऑफ अक्टूबर को डिलीवरी ली थी, तो 19th ऑफ अक्टूबर की इसमें परचेज डेट आ रही है, जिस दिन गेट पास जनरेट हुआ था। उसके अलावा कनेक्टिविटी जो मॉड्यूल कनेक्शन है वो अभी मेरा कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि इसमें मॉड्यूल अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, लगा ही नहीं है, तो वो कनेक्ट भी कहाँ से होगा। उसके अलावा ब्लूटूथ एंड व्हीकल से कनेक्शन, उसके मॉड्यूल का डायग्नोस एंड फर्मवेयर, ये अभी सब मॉड्यूल कनेक्ट होने के बाद ही ये सारी चीज़ों को लेता है। ऐप की सेटिंग्स, बुकमार्क सेटिंग, आप जो नोटिफिकेशंस हैं इमरजेंसी असिस्टेंस के और पुश मैसेज, वो आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, एंड देन योर ऐप वर्जन एंड यूज़र गाइड, ये इसका यूज़र गाइड आ जाती है पूरी, जो इससे रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है। ये एंड्रॉयड ओएस 4.3 वर्जन से अबाव पे चलता है एंड एप्पल आईफोन के iOS 6 एंड अबाव से चलता है। एंड ये इसके सारे ही सेटअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको इसको सेटअप कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, अगर आईडी पासवर्ड आपका फॉरगेट हो जाए तो आपको उस पर क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस, मॉड्यूल सेटिंग, साइन अप एंड वेलकम टू किया लिंक, ये सारी चीज़ें आपने अपनी ऐप डाउनलोड करने के बाद, मॉड्यूल लगने के बाद करनी है। ये स्क्रीन की कंपोजिशन है कि आप स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं, ये होम स्क्रीन की कंपोजिशन है। मेन फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं मेन फंक्शंस आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स। ये कॉन्फ़िगरेशन उसकी, माय प्रोफाइल, माय कार, कनेक्टिविटी, सेटिंग्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंड ये फाइनल इसका सारी डिटेल्स हैं, एंड दिस इज़ दी होम, ये आपका होम पेज हो गया है। तो ये सारे ही फीचर, सारी ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसके अंदर आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में। तो कैसे लगा दोस्तों आपको ऐप का यूजर इंटरफेस, कैसे लगे उसके फीचर्स, कैसे लगे उसके फंक्शंस, एंड जैसे भी लगे हैं आपकी जो भी उस पर लेके राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अब तो आपका बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक सारे ही मॉडल कनेक्टेड हो जाएंगे दोस्तों। सेम ऐप, सेम फीचर्स, सेम टेक्नोलॉजी सुजुकी भी यूज़ करती है, मारुति सुजुकी भी यूज़ करती है। अगर आप लोगों ने सुना हो सकता है आपके पास मारुति सुजुकी की नेक्सा की ऑलरेडी गाड़ियां हो, तो उसमें एक डिवाइस अलग से लगाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों सुजुकी कनेक्ट। यू माइट हैव हर्ड, नहीं सुना है तो आप पता कर सकते हैं। वहाँ उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 है, यहाँ भी इसकी कॉस्ट डिसाइड नहीं हुई है। जो भी इसकी टेंटेटिव कॉस्ट आएगी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड इसको फिजिकल भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, एक एक फंक्शन, एक एक फीचर फिजिकल यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये डिवाइस कनेक्ट नहीं है इसलिए सारे फीचर सारे फंक्शंस नहीं यूज़ हो पा रहे हैं दोस्तों। जब वो कनेक्ट हो जाएगी सारे फीचर सारे फंक्शंस यूज़ हो पाएंगे, तो मैं सारे फीचर्स आपको
फिजिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। अब जैसी भी आपको ये लगेगी दोस्तों, आप भी अपनी कार में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ़।